मेरा नाम कुशल कुमार, ये हुंडई i10 यूज का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस वाले वेरिएंट में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, फिर आपको आफ्टर मार्केट वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 60,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है इसके लोअर वेरिएंट यानी कि मैग्ना वेरिएंट और स्पोर्ट्स वेरिएंट में, और इतने प्राइस में आपको फीचर्स भी काफी बढ़िया दिए जाएंगे। जिससे आपको इसमें स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, और इनके अलावा भी आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं इस वेरिएंट में। 7,20,000 रुपीज का एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाएगी। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है आपकी सिटी में क्या इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अगर आप i10 न्यू CNG में चाहते तो आपको मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में CNG ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो रहने वाला है इसके एरा यानी कि 20 वेरिएंट को छोड़ के सभी वेरिएंट में रहेगा। तो न्यू अपडेट के बाद जैसे आप देखते कितनी बढ़िया लगती है कार, फ्रंट प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल पूरी चेंज कर दी गई जिस वजह से देखने में काफी बढ़िया लगती है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और इंडिकेटर में रहने वाले बल्ब, यहाँ पर आपको LED RS मिल जाएगी। हुंडई का हो गया लोगो, पियानो ब्लैकनेस में रहने वाली ग्रिल इस कार की। ओवरऑल किस तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल और ये साइड प्रोफाइल, दूर से देखने में तो आपको पूरे अलॉय व्हील्स की तरह लगेंगे, पर लेकिन रहने वाली है स्टाइलिश स्टील व्हील्स जो कि डुअल कलर में रहेंगे। 15 इंच के स्टील व्हील्स रहने वाले, बने 75/60 R15 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। और ये इस कार का ORM जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिया जाएगा। बॉडी कलर का ही रहेगा इस कार का ORBM, और इंडिकेटर भी ORBM पर दिया जाएगा। ऊपर साइड होगी रूफ रेल्स, और ये इस कार का डोर हैंडल बॉडी कलर में, कार का इंटीरियर जो कि डुअल कलर में रहने वाला है। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा क्या क्या ऑफर करे जाएंगे इस कार में। GI10 की मिल जाएगी आपको यहाँ पर बेजिंग, और फिर ये साइड प्रोफाइल इस कार की, और ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। ऊपर एक साइड आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफोगर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और ये इसकी LED टेल लाइट जो कि इसके 20 वेरिएंट से ही ऑफर करी जाती है। ग्रैंड आईटेक्यू की बेजिंग, हुंडई का लोगो, नियोस की बेजिंग, रिफ्लेक्टर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया जाएगा आपको यहाँ पर। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में। 260 लीटर का दिया जाएगा आपको इस कार में बूट स्पेस। लगेज लैंप हो गया यहाँ पर, पेयर व्हील। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखा इसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जो स्टील व्हील्स रहने वाले उनका भी डिजाइन थोड़ा बहुत अलॉय व्हील्स की तरह लगता है, जो कि स्टाइलिश स्टील व्हील्स रहने वाले, LED RS हो गए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे बेसिक फीचर्स आपको इस कार में दिए जाएंगे। और 60,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है इसके लोअर वेरिएंट यानी कि मैग्ना वेरिएंट से। खरीदने प्राइस में आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, रूफ रेस मिल जाएगी, टर इंडिकेटर्स के ORBM पर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM होंगे, और रियर डिफोगर जैसे फीचर्स आपको उसके एक्सटीरियर से मिल जाते हैं। और जो मेन डिफरेंस रहने वाला है वो उस कार के इंटीरियर में रहने वाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि 60,000 रुपीज वर्थ इट है क्या। तो उस कार में आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 81 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क। अगर आप इस वाले वेरिएंट को कंपेयर करते हैं इसके टो वेरिएंट यानी कि एस्टा वेरिएंट से, तो आपको उसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं दिए जाएंगे, उन्हें आपको उसमें रियर वाइपर बोस्टर दिया जाएगा, और क्रोम डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे। और एस्टा से फिर कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है इसके टो वेरिएंट यानी कि एस्टा वेरिएंट से। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये इस कार का इंटीरियर डुअल कलर में रहने वाला है जिस वजह से देखने में काफी प्रीमियम लगता है, और वही सेम पैटर्न आपको उसके डोर पे मिल जाएगा। डोर में हो गया सिल्वर कलर का, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM जिससे कंट्रोल दिए जाएंगे। बाटर बटन हो गया स्पेस, डॉक्यूमेंट करने स्पेस और स्पीकर, और यह ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हेडस्टैंड का फीचर और रिक्लाइन करने का। और इस कार का बैक डोर, डोर में हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो, बाटर बटन हो गया स्पेस और स्पीकर, डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर कार का जिस वजह से देखने में काफी प्रीमियम लगता है। और एक फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस वाले वेरिएंट में। आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने नहीं मिलता है, स्टेरिंग मॉडल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, स्टेयरिंग व्हील पर हुंडई का हो गया लोगो, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश दी जाएगी। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो उस तरह का आपको इस कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, एनालॉग रहने वाला है। इस RPM मीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, कुछ बीच में आपको एक MID मिल जाएगी। ड्राइवर साइड इसी वैंड पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, वो ग्रे फिनिश दी गई है साइड में। वो सेंटर कंसोल इस कार का, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर। 8 इंच का टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है, कुछ तरह कंट्रोल्स रहेंगे यहाँ पर ही, पूरे में पियानो ब्लैक फिनिश रहेगी, यहाँ पर भी आपको फिर पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी। ओएरएस के एसी वेंट्स, बीच में हो गया हजार लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी दी जाएगी, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, चार्जिंग पोर्ट दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, एक हो गया USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट जो कि टाइप सी में रहेगा। यहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का गियर नोब रहने वाला है। यहाँ पर हो गया कप होल्डर्स, थोड़ा सा स्पेस हो गया, फिर यहाँ पर हैंड ब्रेक, फिर आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा। मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ, कितने साइज का रहने वाला है इस कार का ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स रहेगा। यहाँ पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है, एयरबैग की होगी बेजिंग,
और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे आपको इस कार में। और इस कार का सनवाइजर बैंटी मेरा आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर दिया जाएगा। और यह IRBM जिसमें आपको मैनुअली डीएनएट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वॉइस कमांड के लिए आपको यहाँ पर माइक दिया जाएगा। और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर बैंटी मेरा मिल जाता है। ग्रैब हैंडल कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहने वाली है जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए जाते हैं, फिक्स हेडरेस्ट दिए जाएंगे। फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये को ड्राइवर साइड डोर, डोर नोज सिल्वर कलर का, पावर विंडो, वाटर बॉटल का स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। यहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है जो कुछ तरह का रहता है। फ्रंट सीट पर बैठ का जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए फिर लेके जाता हूँ उस कार की रियर सीट पर, बाबर को कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कितना लेग रूम है वहां पर। तो ऐसा तो कितना लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में। और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगता है डैशबोर्ड जैसे मैंने आपको दिखाई देता। फ्रंट में आपको कोई भी कैबिन लैंप दिखाई नहीं मिलता है, कैबिन लैंप मिल जाएगा आपको यहाँ पर जो कि हेलोजन में रहने वाला है। ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पर, फ्रंट में भी आपको फिक्स एड्रेस मिल जाएंगे और बैक में भी आपको फिक्स एड्रेस दिए जाएंगे। और ये रहा ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट दिया जाता है। 12 वोल्ट हो गया यहाँ पर पावर सॉकेट, कितने साइज का रहने वाला है यहाँ पर बम्प। और ये रहा बैक डोर, डोपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो, बटन वाले स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। कुछ ऐसे फीचर्स आपको उस वाले वेरिएंट में दिए जाते हैं जैसे आपने देखा। जैसे मैंने सरकार इस कार का इंटीरियर जो भी कुछ आपको फीचर्स इसके इंटीरियर में दिए जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। वैसे हमने देखा उस तरह का कार का वॉक अराउंड जो फीचर्स आपको उस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपको उस वाले वेरिएंट में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी को जैसे फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में मिल जाते हैं। और एक्सटीरियर के फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे क्या क्या आपको मैग्ना वेरिएंट से ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे 4 स्पीकर्स हो गए, पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जितने फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में भी दिए जाएंगे। अगर आपको उसमें 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स आपको अपनी कार में चाहिए तो आप इसके एस्टिया वेरिएंट को देख सकते हैं। उस कार का प्राइस रहने वाला 793,000 रुपीज का एक शोरूम। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम। अगर आपको और किसी कार का भी ऑन रोड प्राइस जानना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एस्टिया वेरिएंट देते हैं तो फिर आपको उसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, क्रोम डोर हैंडल्स, वायरलेस चार्जिंग, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, रियर वॉशर वाइपर, 6 एयरबैग जैसे फीचर दिए जाएंगे। और आपको ये वाले फीचर्स चाहिए तो आप एस्टिया वेरिएंट के साइड जा सकते हैं। अगर आपको बेसिक फीचर चाहिए तो आप मैग्ना वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। और आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए जिसमें आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाएं तो आप स्पोर्ट वेरिएंट के साथ जाइए। तो चलिए फिर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, फिर आपको किसी और कार का बुक राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।